दोस्तों एक गुड न्यूज है। तो क्या गुड न्यूज है, सब कुछ इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा तक देखिए। तो दोस्तों कल रात मतलब 29 जून को एक न्यूज़ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक न्यूज़ आया था। उस न्यूज़ में बोला मोदी जी, या बोल सकते हो केंद्रीय सरकार ने बोला टिकटॉक थ्रू मतलब जो चाइनीज ऐप है 59 जो चाइनीज ऐप है उस 59 चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन कर दिया है। तो उसे तो बहुत खुश कभी है। और उसके ऊपर से जो टिकटॉक भी है, टिकटॉक भी हमेशा के बैन हो गया। तो अब आते हैं दोस्तों, टिकटॉक जो बैन हुआ है वो प्ले स्टोर से कब हटेगा और इसको पर क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्तों आज आप देखिए टिकट मांगता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के रही थी और ऑनलाइन आने वो वीडियो आपके लिए रोज़ देख के आता हूँ। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अच्छा वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, कल रात मैंने वीडियो को ज़्यादा देर हो गया वीडियो को बनाने के लिए, तो कल रात ही अपडेट आ गया, या बोल सकते हो 29 जून मतलब 29 जून जो कल था, कल शाम को रात को 10 या 11 बजे एक न्यूज़ आया था। आज तक में एक न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ में बोला टिकटॉक वाला 59 ऐप इंडिया से बैन हो गया। तो आप आते इसको बैन क्यों किया, तो आप लोग जानते हैं वॉर पे जो हंगामा हुआ था, मतलब जो आप हमारे जो जवान था, जवान को जो चाइना के जवान पीछे से वार किया, तो इसलिए मोदी सरकार ने ये मतलब इसको सबसे पहले तो ये बात देता हूँ ये किस लिए आप लोग को मतलब किस लिए इसको बैन किया। सो इसके जो रीज़न दे रहा है साइबर अटैक, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो चाइना इंडिया को सामने से धमकी दिया, बोला जो साइबर अटैक होने वाला इंडिया में, तो इसलिए टिकटॉक वाला जो चाइनीज ऐप है, जिंडा ये पॉपुलर ऐप है बोल सकते हो, ए टू जेड सब ऐप वहाँ से मतलब प्ले स्टोर से जो है रिमूव कर दिया, मतलब बोल सकते हो बैन कर दिया इंडिया से। अब आते हैं इंडिया सर्वर पे कब बैन होगा, मतलब ये तो ऑप्शनल जो ऑर्डर हो गया है बैन का। आप आते हैं प्ले स्टोर से कब हटेगा, दोस्तों देखिए जो टिकटॉक है, टिकटॉक एक चीज़ को हटने के लिए मिनिमम 24 घंटे से 48 घंटा टाइम लगता है। तो प्ले स्टोर पर अभी भी आप लोग देख सकते हो टिकटॉक है, वीमार्ट है, शेयरेट है, जेंडा है, ऐसा कुछ आप लोग टिकटॉक प्ले स्टोर पर देख सकते हो, और यूट्यूब प्लस भी है, तो अभी आप लोग देख सकते हो। कब तक देखोगे वो कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब ये फाइनल है टिकटॉक और जो बाकी ऐप है सब ऐप जो है जो चाइनीज ऐप है सब 59 चाइनीज ऐप इंडिया से बैन ऑलरेडी हो गया, वो अभी तक हो गया, मतलब अभी तक प्ले स्टोर से रिमूव नहीं हुआ, तो कुछ दिन में वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग तो सुना ही होगा कुछ दिन पहले जो एक कॉन्ट्रोवर्सी लगा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो इसमें तो आप साफ साफ देख सकते हो यूट्यूबर को जीत मिली। आप देखते हैं टिकटॉक में बहुत ही कांची कंटेंट है, बहुत ही खराब कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात, यहाँ पे टिकटॉक को बैन किया जो है वो कोई कंटेंट के बोलो कंटेंट के ऊपर से कोई बैन नहीं किया, चाइनीज ऐप है, आपके जो डेटा है पर्सनल डेटा वो चाइना में दे रहा है, मतलब चाइना इस डेटा को आपके डेटा को पर्सनल डेटा को छुड़ा रहा है। तो इसमें साइबर क्राइम भी हो सकते हैं, आप लोग बोल सकते हो साइबर अटैक भी हो सकते हैं, यहाँ से आपका जो डेटा है वहाँ पर चाइना लेकर कुछ गलत भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगले जो पहले ही अपडेट आया था जो 59 ऐप इंडिया से रिमूव होने वाला है, तो उसका लिस्ट मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जाके देख सकते हो उसका लिस्ट कौन कौन ऐप रिमूव किया है, मतलब बैन किया है इंडिया से, और फाइनली बैन भी हो चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग 2020 में आप लोग सुन ही सकते हो शुरू से एंड तक बहुत ही खराब सुना है हम लोग, अभी तक खराब सुना है, और इसमें गुड न्यूज़ भी हम लोग सुना है, मतलब 2020 में बहुत ही खराब जा रहा है सबका इस साल, तो इस साल में एक खुशी भी आ गया है टिकटॉक जैसा चाइनीज ऐप बैन हो गया, तो बहुत ही अच्छा एक फैसला है, क्योंकि हमारा जो हमारा डेटा है हमारे पास सेफ रहेगा। और जिसके पास टिकटॉक अकाउंट है आप लोग जाके अभी डिलीट कर दो, क्योंकि उसको कोई भरोसा नहीं है, चाइना आप भी ले सकते हैं या कभी भी आपके डेटा ले सकते हैं। पर आपको एक बात बताऊँ, आपका जो टिकटॉक अकाउंट है अकाउंट अभी जाके डिलीट कर दो, क्योंकि बाद में इस सर्वर इंडिया सर्वर से जब इंडिया सर्वर से गूगल प्ले स्टोर से यहाँ से जब रिमूव हो जाएगा तब आप लोग
जो आपके टिकटॉक आप लोग यूज़ नहीं कर सकते और टिकटॉक को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, तब आपके अकाउंट को आप लोग सबसे पहले तो आप लोग अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो आप ही जाके अकाउंट को डिलीट करना सबसे पहले बात है, अकाउंट को डिलीट करना, क्योंकि अकाउंट नहीं डिलीट जब तक अकाउंट नहीं डिलीट करोगे तब तक आपका डेटा चैनल के पास जाते रहेंगे। तो सो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगे, इस न्यूज़ सुनकर आप लोगों को भी अच्छा लगे, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इंडियन हो तो। तो सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करना सब्सक्राइब और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं यूट्यूब क्रिएटिव और ऑनलाइन आर्निंग के ऊपर वीडियो आपके लिए रोज़ लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।